सर अगर किसी को कंपैरिजन भी करना है तो पहले कहीं और सीख के आए और फिर एशिया टेलीकॉम आए, अगर उसको ऐसा लगे कि यहाँ सही में सीखने को नहीं मिल रहा है पैसा वापस लेके जाए। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे, आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? सर पैसा वसूल हुआ। श्योर श्योर सर श्योर। अगर आपको देख के कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो उसका पैसा वसूल हुआ कि नहीं होगा? सर अगर ना हो तो मेरा मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बस वो मेहनत करने वाला होना चाहिए और हमारे इंस्ट्रक्शन पे चलने वाला होना चाहिए। अगर वो अपना अपना थ्योरी लगाएगा, अपना प्रैक्टिकल लगाएगा तो काम सीख पाएगा? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम सर एक इंस्टीट्यूट नहीं है, गुरुकुल है। यहाँ रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा तभी हम सीख पाएंगे। चलिए ओवरऑल चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ के टीम के लिए क्या बोलना चाहिए? सर एशिया टेलीकॉम की टीम और सर द बेस्ट है सर। ऐसा नहीं है कोई 2 महीना 3 महीना काम सीख के एशिया टेलीकॉम में ज्वाइन करके आप टीच कर रहा हो? नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ सर, आईसी के अंदर जो ब्लैक लेयर है फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है, उसके नीचे कौन सी लेयर है और उसके अंदर क्या है और वो क्या सब मिलके और क्या काम देते हैं और क्या बनता है आईसी बनती है, आईसी किस चीज़ से बनती है, कैसे बनती है, हाँ सर होता है, कब आउटपुट निकलता है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई गई है सर। यहीं पर मिल सकता है जब भी एशिया टेलीकॉम में आकर सीखना चाहते हैं वो भी आराम से सीख सकते हैं। जिसको भी मेहनत करनी है वो एशिया टेलीकॉम आके मेहनत कर सकते हैं और सीख सकते हैं, मेहनत करना पड़ता है एशिया टेलीकॉम में आके। और बात करें पैसा वसूल हुआ नहीं सर? बिना तो बिल्कुल पैसा एक नंबर वसूल हो गया सर। उसका पैसा वेस्ट होगा क्या? नहीं नो सर। मेरा आपका वेस्ट हुआ क्या? नो सर। आपका पैसा वसूल हो गया? बिल्कुल। कब हो गया पैसा वसूल आपका? फर्स्ट डे में ही हो गया। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे? जो भी आना चाहता है बिंदास है और मेरा तो पैसा उसी दिन वसूल हुआ था जो पहले दो घंटे की हमारी जो काउंसलिंग क्लास थी और दूसरे जो बोल रहे थे टॉपिक वाइज बोल रहे थे हमारा इस दिन ये होने वाला, इस दिन ये होने वाला, इसमें ये होने वाला, जो ऐसा बोल रहे थे तभी पता चला था कि हमारा ये मतलब हर टॉपिक कितना गहरा चलने वाला है हर सेक्शन। तो एशिया टेलीकॉम के लिए थैंक यू। और मेरा पैसा वसूल है, मैं झारखंड से हूँ, अगर कोई आना चाहते बिंदास आ सकते हैं और बहुत जल्दी आना है तो जल्दी आ जाओ क्योंकि सोच के फायदा नहीं है। फोन पे आपको डायग्नोस करवाया गया? 50 सेट में दिखाया था डायग्नोस, 50+ फोन था, आपको डायग्नोस बताया गया है कि फोन पे। अब डीसी की रीडिंग देख के आप बता पाएंगे कि ये इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर एमएमसी का इशू? तुरंत बता देंगे डीसी या रीडिंग पावर का काम करना है या फिर कैसा काम करना है जी, मतलब डीसी का रीडिंग देख कर बता सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम है इसमें, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। सर ऐसा है, अगर कोई भी ऐसा मानता है कि मेरे को सब चीज़ आता है तो उसको भी एक बार यहाँ आना चाहिए तो उसको ये पता लगेगा कि अपने को काम आता है कि नहीं, किस लेवल पे यहाँ सिखाते हैं, किस लेवल पे अपने को काम करना है, सारी चीज़ सारा नॉलेज मिलता है। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?
क्या नाम है आपका, थोड़ा सा इधर देखिए। मेरा नाम आदिल है, मैं झारखंड से हूँ। तो आदिल जी, चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ, तो बताइए आपका EMMC का 4 दिन का क्लास हो चुका है, और 4 दिन के क्लास में कोई सा भी आपको थ्योरी में या प्रैक्टिकल में कोई भी डाउट हुआ क्या आपको? नो सर, कोई डाउट नहीं हुआ, जो पूछते हैं सर सब तुरंत बता देता है। तुरंत बताते हैं जी सर। अगर कोई डाउट रह जाता हो दिमाग में तो हम क्या बोलते हैं आपको कि डाउट ऑन द स्पॉट ऑन डे ऑन टाइम करो, करो कि नहीं? जी सर, करते हैं आप? जिस टाइम डाउट आता है उसी टाइम पूछ लेते हैं, तुरंत बता देता है, तुरंत बता देते हैं। तो चलिए मैं बात करूँ कि जो ब्लैक पेस्टेड का भी साथ के साथ आपका UFI का भी क्लास चल रहा है, और आपका ब्लैक पेस्टेड का भी काम चल रहा है हैंड स्किल पे। जी सर, क्योंकि देखिए सारे फ़ोनों में नॉर्मल IC नहीं आती है, ब्लैक पेस्टेड होती है, किसी में वाइट पेस्टेड आती है, तो देखा जाए तो सब जरूरी है। जी सर, सब है कि नहीं? अभी जो मार्केट में आ रहा है डुअल डेकर का फोन आ रहे हैं, ज़्यादातर डुअल डेकर के फ़ोन आ रहे हैं, तो हमने आपसे वादा किया कि डुअल डेकर भी साथ देंगे। जी सर, तो आप डुअल डेकर भी करने वाले हैं? यस सर। तो चलिए आदिल जी, मैं बात करूँगा आपसे, तो आप इस कौन सा फ़ोन है ये बताइए? MI A डुअल है। तो इस फोन में कौन सा CPU लगा है? क्वालकॉम का CPU लगा है। तो एक बात बताइए, अब क्वालकॉम का CPU देख के आप बता सकते हैं कि इसमें पावर कौन सा हो सकता है? सेकंड पावर कौन सा हो सकता है? सर तुरंत बता देंगे। RFIC कौन सा हो सकता है? सब बता देंगे। बता देंगे जी सर। ये चीज आपने कब सीखा और किसके क्लास में सीखा आपने? देव सर के क्लास में सीखे हैं। सीखा आपने। तो डेड का जो सेक्शन हुआ था, चलिए मैं आपसे बात करूँ डेड सेक्शन का, तो एक डेड सेक्शन कितने फोन पे आपको डायग्नोस करवाया गया? 50 सेट में दिखाया था डायग्नोस। 50 प्लस फोन था आपको डायग्नोस बताया गया एक एक फोन पे। अब DC की रीडिंग देख के आप बता पाएंगे कि ये इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर EMMC का इशू? तुरंत बता देंगे DC या फिर पावर का काम करना है या फिर कैसा काम करना है जी, मतलब DC का रीडिंग देख कर बता सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम है, इसमें सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। सही बात है, डेट सॉफ्टवेयर मतलब शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है सब बता दें। शॉर्टिंग की भी क्लास हो चुकी है, हालांकि जगह तो आप हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग भी निकाल सकते हैं। लाइव हुआ था जो भी क्लास लाइव हुआ था, लगभग 30-35 सेट में लाइव हुआ था। चलिए शॉर्टिंग की जो क्लास हुई थी, हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग की। तो आदिल जी मैं बात करूँ ब्लैक पेस्टेड की, अब अगर आपसे पहले दिन से ही अगर IC पे काम ना करवाएं हम, तो क्या ब्लैक पेस्टेड वन टाइम में निकालना हो जाएगा क्या? नहीं सर, उस टाइम तो नहीं निकाल पाते। किसी भी छत पे चढ़ने के लिए बेसिक से एक सीढ़ी से सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है। तो वो सीढ़ी पे आज आप ब्लैक पेस्टेड पे आप पहुंचे हैं, तो ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 4 सेट में निकाले, एक टो का गड़बड़ हुआ था, लेकिन उसके बाद 3 सही निकल गया। मतलब एक फोन में आपको दिक्कत आ गई थी, हालांकि 3 फोनों में दिक्कत नहीं आई। आपने उसमें CPU और EMMC दोनों निकाला, पावर भी निकाला आपने? सब निकाले हैं। तो देखिए कोई भी काम सीखने के लिए देखिए होता है और सीखना भी जरूरी है। जी सर, गलती करना भी जरूरी है, क्योंकि गलतियों से भी आप काम सीखते हैं। चलिए ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे, तो क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू, और मेरा पैसा वसूल है, मैं झारखंड से हूँ, अगर कोई आना चाहे तो बिंदास आ सकते हैं, और जब बहुत जल्दी आना है तो जल्दी आ जाओ, क्योंकि सोच के फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा उनका? उसका पैसा का रिस्क हम लेंगे। पैसा का रिस्क आप लेंगे, मतलब आपका पैसा वसूल होते दिखा कि नहीं दिखा? यस सर, मेरा पैसा तो मतलब 2-3 दिन में ही पता चल गया था कि यहाँ बहुत बड़ा काम होता है, तो सोच के हमने आए तो वो मिला आपको? वो मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आदिल जी। क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर देखिए। मेरा नाम प्रमोद है, महाराष्ट्र से। प्रमोद जी महाराष्ट्र से हैं, तो चलिए बताइए आज EMMC की 4th दिन की क्लास है, 4th दिन में आपकी 90% कंज्यूम की क्लास थी, तो 90% कंज्यूम अगर आपके सामने कोई फॉल्ट आ जाए तो आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आराम से कर पाऊंगा, जो गलत सर ने जो ज्ञान दिया है कर पाऊंगे। तो चलिए मैं अगर बात करूँ आपसे कि हार्डवेयर की, जो पहले दिन से सर ने बोला था कि आपको बोर्ड को देखने का नजरिया बदल देंगे, तो अब आपको कोई सा भी CPU दे दे तो आप उसको देख के बता पाएंगे कि इसमें कौन सा फर्स्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है, कौन सा आपका चार्जिंग IC, ये सब सारी चीज़ें बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? पर्टिकुलर आपसे मैं अगर बात करूँ, पर्टिकुलर आपको बस एक EMMC के बारे में नहीं बताया गया था उस टाइम पे, क्योंकि EMMC का क्लास हमारा अलग होता है बिल्कुल, लेकिन एक CPU को देख के एक पूरे फोन के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सी IC किस काम के लिए है? हाँ बता सकता हूँ। तो चलिए मैं बात करूँ ब्लैक पेस्टेड, आप इस मोबाइल के फील्ड में कब से हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल में आपने कभी IC पे काम किया था क्या? नहीं, मैंने कभी ब्लैक पेस्टेड पे कभी काम नहीं किया था, अभी ये 4 दिन में हाथ लगाया उसको। और नॉर्मल IC पे? हाँ नॉर्मल IC पे थोड़ा बहुत करता था, लेकिन ये ट्रिक नहीं, मतलब ट्रिक नहीं था। वन टाइम में कभी फोन चालू हुआ था क्या आपसे? वन टाइम कभी तो, और मतलब ऐसे ऐसे तुक्के में हो जाता था। तो अब वन टाइम में फोन चालू हुआ नहीं होगा? हो गया, अभी बैठा बिठाने के बाद बैटरी लगाने से पहले पता चलता है IC परफेक्ट बैठी है। अच्छा, तो कहाँ सीखा आपने? इधर एशिया टेलीकॉम में। एशिया टेलीकॉम में सीखा आपने, तो अब बोर्ड का नजरिया अभी देखने का बदल गया है, और आप अब EMMC को भी डायग्नोस कर पाएंगे,
डेड डायग्नोस कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर को भी डायग्नोस कर पाएंगे, ये सब सारी स्टेप बाय स्टेप में सीखा। अगर ये जो ईएमएमसी की क्लास है हम पहले दिन दे दें तो क्या इसको समझ पाते क्या आप? नहीं समझ पाते नहीं। मिलन सर ने जो इतना अच्छा पढ़ाया, मिलन सर के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, उनके पास देव सर के पास भी इतना ज्ञान है। अगर शब्दों में बोलना चाहूँगा, सागर से गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है, उनके पास ज्ञान है। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा क्लास? बहुत ही बढ़िया रहा। ब्लैक पेस्टर निकालने में, क्लीनिंग करने में, लगाने में कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल देता हूँ। आराम से निकाल लेंगे। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे टेलीकॉम के लिए? जो भी आना चाहता है वो बिंदास आए। और मेरा तो पैसा उसी दिन वसूल हुआ था जो पहले दो घंटे की हमारी जो काउंसलिंग क्लास थी, और दूसरे जो बोल रहे थे टॉपिक वाइज बोल रहे थे, हमारा इस दिन ये होने वाला, इस दिन ये होने वाला, इसमें ये होने वाला, जो ऐसा बोल रहे थे तभी पता चला था कि हमारा ये मतलब हर टॉपिक कितना गहरा चलने वाला है। सेक्शन तो जैसा बताया गया था वैसा आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। तो आपका पैसा वसूल है? मेरा पूरा पैसा उसी पहले दिन ही वसूल हुआ था, जो दो घंटे की काउंसलिंग क्लास हुई थी उसी दिन वसूल हुआ था। चलिए देखिए, अगर आपको देखिए कोई ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो बिंदास आए। ये जो क्लासेस हो रही है आपकी, अगर इसको ऑनलाइन में दे तो क्या मतलब ऐसा काम कर पाएगा जैसा ऑनलाइन? मेरे पास अभी उसका स्क्रीनशॉट है, मैंने सर को पूछा था ऑनलाइन हो सकता है क्या, सर बोले कुछ फायदा नहीं होगा। आप बिंदास आओ तो भी मैंने दो महीना ऐसे ही गलाया, मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन जब उनकी और वीडियो देखा तो पता चला कि नहीं कुछ वाला अच्छा हुई था। तो जो रिव्यू आप, चलिए मैं बात करूँ, आपने रिव्यू भी देखे होंगे, तो रिव्यू जो देखा आपने वो रिव्यू गलत था या फिर आप जो आप अभी दे रहे हैं वो रिव्यू गलत? मैं अभी दे रहा हूँ लाइव में दे रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सही दे रहा हूँ। कोई एडिट कर रहा है क्या? हमने कोई एडिट किया क्या इसमें? एडिट का कुछ ये नहीं है। चलिए ओवरऑल अपना बोर्ड दिखाइए और देख सकते हैं इन्होंने ब्लैक पेस्टर पे निकाला ये पावर ईएमएमसी और ये क्या बोलते हैं सीपीयू, ये भी इस फोन में भी आपने निकाला है, देख सकते हैं साइड में ब्लैक पेस्टर लगे हुए हैं। तो अब कोई ब्लैक पेस्टर निकालने में कोई प्रिंट आपसे जाएगा क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट आपको देख के इसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? आना चाहता है वो जल्दी आ जाए। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान से हैं अशोक जी। तो चलिए बताइए, चार दिन के क्लास में कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो जो पहले दिन से आपकी ईएमएमसी की क्लास हो रही है, चार दिन की क्लास हो चुकी है, अभी तक के थ्योरी में कोई भी कंफ्यूजन आपको? नो सर। कोई भी डाउट? नो सर। जो भी साथ के साथ आपको थ्योरी हो रहा है वो प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है नहीं करवाया जा रहा है? प्रैक्टिकल हो रहा है सर। और जो 90% कंज्यूम का आपने खुद से किया है? यस सर। जो 90% कंज्यूम का जो क्लास हुआ है आज किया सर, वो भी आपने खुद से किया? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको अपने पास से फ़ोन दिया हो और आप उसको किए हो? फोन ही मेरा था। आप मतलब फ़ोन ही आपका था? तो चलिए अब आपको कोई 90% कंज्यूम का फ़ोन आए और मैं आपको दे दूँ और बोलूँ कि ये ब्लैक पेस्टेड है, तो आप उसको निकाल के 90% कंज्यूम फिक्स कर पाएंगे? यस सर। क्यों आपको ISP से 90% कंज्यूम नहीं बनाना है और क्यों आपको EMMC निकाल के करना है 90%, ये सब सारी चीज़ें आपको सर ने बताई है? अच्छे से बताई है। चलिए मैं बात करूँ आपकी पहले दिन की, पहले दिन से ही आपको IC पे काम करवाया जा रहा है, रिबॉलिंग पहले दिन में करवाया गया था पावर पे और EMMC पे, दूसरे दिन में आपसे CPU पे निकल रिबॉलिंग करवाया गया था, तीसरे दिन में आपको लाइव 4G फोन का पावर निकलवाया गया था, चालू फोन का तो निकाला था आपने? चार से पाँच बार निकाला था आपने, फोन चालू भी किया था आपने, और तीसरे दिन में, चौथे दिन में क्या किया था आपने? CPU निकाला था आपने? हाँ सर। CPU भी ऑन किया था वन टाइम में या फिर कितनी बार? वन टाइम में। अब जो मान लीजिए तीसरे चौथे दिन में आपको बोर्ड को देखने का नजरिया जो बोलते थे देव सर बोलते हैं, चेंज हो गया। किसने कराया था चेंज? अब क्या ऐसा मतलब इतने आसानी से पॉसिबल है कि कोई सा भी CPU देख के आप फोन के अंदर जितनी भी ICs लगी उसको डायग्नोस कर पाए, समझ पाए कि किस चीज़ के लिए ये IC लगी है? पॉसिबल है सर, अपने एशिया इंस्टीट्यूट पे है। तो आपने ब्लैक पेस्टेड बोर्ड पे जो काम किया है, एक बात बताइए, अगर पहले दिन से आपका क्लियर ना हो IC निकालना और लगाना तो क्या ब्लैक पेस्टेड पे काम कर पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं जरूरी है कि नहीं? बेसिक जरूरी है कि नहीं? पहले हर काम के लिए बेसिक जरूरी है। बेसिक जरूरी है तो बेसिक से देते हैं या फिर यहाँ एडवांस दे देते हैं? नहीं बेसिक से चलना पड़ता है। अगर आप कितने भी अनुभवी हो, कितने भी 10 साल के 15 साल के काम हो, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे चलना पड़ेगा? जीरो से ही चलना पड़ेगा। तो बताइए कितने फोनों में आपने CPU और EMMC ब्लैक पेस्टेड निकाला है? इसमें आपने निकाला है ब्लैक पेस्टेड? यस सर। और कितनी IC निकाला है? IC भी दिखा दीजिए हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से इन्होंने IC लगा के रखा है, पावर और ये CPU रिवॉल्व कर रहे हैं यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल में पॉसिबल है क्या? है सर। कहाँ पॉसिबल है? एशिया इंस्टीट्यूट में, एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। हाँ सर। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? बेस्ट, एशिया टेलीकॉम बेस्ट। अगर आपको देख के कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो उसका पैसा वेस्ट होगा क्या? नहीं नो सर। आपका वेस्ट हुआ क्या? नो सर। आपका पैसा वसूल हो गया? बिल्कुल। कब हो गया पैसा वसूल आपका? फर्स्ट डे में ही हो गया। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे?
मनीष जी कहाँ से हैं आप? सर मैं भिलवाड़ा से हूँ, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से है? राजस्थान भिलवाड़ा से। राजस्थान, चलिए काफ़ी है। और मैं बात करूँ आपसे, आज आपकी एमएमसी के 4 दिन की क्लास जो हुई है, 4 दिन के क्लास में आपको कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, सबसे क्लीन हो गया सारी चीज़ें, सारी डाउटें कंफर्म है, सारी डाउट। कोई डाउट होता है तो क्या उस डाउट को छोड़ते हैं क्या? नहीं सर, नहीं छोड़ते, जब तक समझ में नहीं आता तब तक नहीं छोड़ते। बात करें पहले दिन से और अभी के दिन तक, आपके हैंड स्किल में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, है? सर, पहले आपने कभी आईसी पे काम किया था? नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं किया था। फर्स्ट टाइम यही किया था। तो चालू फोन पे हमने यहाँ पे आपसे काम करवाया नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया सर। और फोन को आपसे चालू करवाया कि नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया। ऐसा तो नहीं है कि रिवॉल्व हमने कर दिया हो और लगा आप रहे हो? नहीं सर, हमने अपने हाथों से करवाया। सारी चीज़ जो भी प्रैक्टिकल होता है सब हम ही करते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है आपसे हम केवल सर गाइडेंस करते हैं, जो यहाँ की टेक्निक है वो चीज यूज में लेते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। सारी चीज वैसे ही करना पड़ता है, वो अच्छे से होता है। अच्छे से होता है। तो एक बात बताइए, अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस होल्डर हो और अपना लॉजिक लेके आए और यहाँ पे हमारा लॉजिक के और अपना लॉजिक मिला के काम करे, तो क्या पॉसिबल है क्या कि ये इतने अच्छे से काम कर पाए हो? सर ऐसा है, अगर कोई भी ऐसा मानता है कि मेरे को सब चीज़ आता है तो उसको भी एक बार यहाँ आना चाहिए, तो उसको ये पता लगेगा कि अपने को काम आता है कि नहीं, किस लेवल पर यहाँ सिखाते हैं, किस लेवल पर अपने को काम करना है, सारी चीज़ सारा मिले। चलिए, मैं EMFC की क्लास चल रही है, मैं थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में पूछना चाहूँगा कि बोर्ड का देखने का नज़रिया किसके क्लास में आपका बदला? सर देव सर की क्लास में बदला। देव सर जिस हिसाब से सिखाते हैं, जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, उसमें सारा नॉलेज पढ़ाने तक में ही मिल जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि देव सर यूट्यूब का नॉलेज देते हो, बस यूट्यूब पे देखते हो और आपको नॉलेज दे देते हो ला के? यूट्यूब वाला नॉलेज तो नहीं है? नहीं सर ऐसा है, किताबी नॉलेज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ सब चीज़ का टोटली नॉलेज मिलता है, जो चीज़ कहाँ से वर्क करती है, अगर नहीं करती है तो भी उसमें क्या करना पड़ता है, सब चीज़ का नॉलेज मिलता है। सारी चीज़ें हैं जो भी है, प्रैक्टिकली है जो आपके सामने आने वाली है, वो सब सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल है सर। है कि नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। अब ब्लैक पेस्टेड पे आप काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि आईसी पे काम हम पहले दिन से आपसे करवा रहे हैं और आज ब्लैक पेस्टेड की भी क्लास चली है लगातार 4 दिनों से, तो आप ब्लैक पेस्टेड पे काम किए कि नहीं किए? बिल्कुल किया सर, सारा ये जैसा कि देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स देख भी रहे हैं। और ये देखिए ब्लैक पेस्टेड इन्होंने निकाला, ये सीपी निकाला। ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुसाधर है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं? तो चलिए मैं आपसे बात करूँ, तो आज आपकी EMFC की 4 दिन की क्लास हो गई है, जिसमें आपको आईसी के आइडेंटिफिकेशन, एक आईसी से डंप निकालना, डंप को राइट करना, सिक्योरिटी को पैच करना, ये सब सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और 90% कंज्यूम का क्लास था साथ के साथ आप, तो 90% कंज्यूम अगर किसी फ़ोन का अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसको फिक्स कर पाएंगे? एकदम मदद से पाएंगे सब, सब सामने बता दिया गया, इतना सामने जो बताया ट्रिक वो ट्रिक्स आपने आप यूज कर लिया तो आराम से लगा सकते हैं, जो भी आईसी हो, ब्लैक पिस्टेड हो, चाहे ब्लैक पिस्टेड हो ना हो, आराम से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बात करूँ आपसे पहले दिन की, तो आप पहले दिन से ही आईसी पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ पहले दिन से ही कर रहा था, पहले सोच रहा था कि मैं अभी पहले दिन पे ही आईसी होगा कि नहीं लगा पाएंगे कि नहीं, ऐसा उसका मन पे डाउट था। अभी तो दूसरे दिन पे ही क्लियर हो गया था कि ये सब ट्रिक कमाल है। तो वो जो ट्रिक्स हैं वो एक बात बताइए हमको कि कहाँ मिली आपको? एशिया टेलीकॉम में ही आगे मिला सर, और जगह किसी भी नहीं मिल सकता है, सिर्फ एशिया टेलीकॉम पे आगे। आप इस मोबाइल के फील्ड में कितने दिनों से? मैं फ्रेशर हूँ सर, जैसे कुछ भी मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं था, एशिया टेलीकॉम में आके सब कुछ मालूम चल गया कि ये क्या है, कौन सा आईसी क्या काम करता है, कौन सा कंपनी क्या काम करता है, कंपोनेंट्स का देखने का नज़रिया और आईसी को देखने का नज़रिया आपको किसके साथ बदला? सर दीप साहब ने पहले दिन काउंसलिंग क्लास थी, उसके बाद उसमें तो थोड़ा डाउट था, दूसरे दिन के बाद सब क्लियर हो गया कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या होता है सर। हर कंपोनेंट का वर्किंग और हर एक आईसी का वर्किंग आपको समझ में आ गया? एकदम पूरा। और अब आपकी बात करें तो ब्लैक पेस्टेड पे भी आपके हैंड स्किल पे भी काम करवाया जा रहा है साथ के साथ, तो अब ब्लैक पेस्टेड कोई सा भी फ़ोन दे दें हम, क्योंकि देखिए बहुत सारे फ़ोन अब ऐसे आ रहे हैं, मतलब कि अब देखा जाए तो 80% फ़ोन जो है वो ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड या डुअल डेकर आ रहे हैं, तो ब्लैक पेस्टेड पे भी काम करवाना बहुत ज़रूरी है और वो हम करवा भी रहे हैं। तो हैंड स्किल की बात करें तो ब्लैक पेस्टेड पे आपने काम किया कि नहीं किया? हाँ सर किया, तीन बोर्ड पे किया है आपने, तो अभी बताइए ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं, मिलन सर ने जो ट्रिक बताया वो ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आईसी पे बताइए, एक बात बताइए हमको कि आईसी को निकालना लगाना पहले दिन से ही आप कर रहे हैं, अगर पहले दिन में अगर हम देते ब्लैक पेस्टेड निकालने के लिए तो आप निकाल पाते हैं? नहीं पहले दिन तो नहीं निकाल पाते, कि पहले वो ब्लैक पेस्टेड कुछ
पहले तो आप नॉर्मल मतलब बेसिक पहले जरूरी है आपको, क्योंकि एडवांस आदमी तभी पहुंचता है पहले बेसिक क्लियर करता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू हो या ईएमएमसी, उठाने में कोई दिक्कत आपको? सर कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से उठा सकते हैं, आराम से उठा सकते हैं। चलिए ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? जो भी एशिया टेलीकॉम में आके सीखना चाहते हैं वो भी आराम से सीख सकते हैं, जिसको भी मेहनत करनी है वो एशिया टेलीकॉम आके मेहनत कर सकते हैं और सीख सकते हैं, मेहनत करना पड़ता है एशिया टेलीकॉम में आके। और बात करें पैसा वसूल, सर मिला तो बिल्कुल पैसा एक नंबर वसूल हो गया। तो बताइए क्या नाम है आपका? रईस, गुजरात से। रईस जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप गुजरात से हैं, गुजरात में भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप एशिया टेलीकॉम में क्यों ज्वाइन किए? सर एशिया टेलीकॉम को और दूसरे गुजरात के इंस्टीट्यूट को कंपेयर करना बेकार है सर। कंपेयर करना बेकार है, यानी आपने ये आप तब बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले से भी कंपेयर कर चुके होंगे। जी सर। कि कहाँ पे नॉलेज आपको बेहतर मिल पाएगा, कौन से इंस्टीट्यूट आपको सबसे बेस्ट दे पाएगा? सर गुजराती हैं, सोच समझ कर ही आए हैं। सही बात है, गुजराती हैं तो सोच समझ के ही आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँगा आपसे, ईएमसी की 4 दिन की क्लास हो चुकी है आपकी। जी सर। और हालांकि आईसी पे आपको पहले दिन से ही काम करवा रहे हैं। जी। निकालना, लगाना, रिवॉल्विंग, माउंटिंग, रिमाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पहले दिन से ही बताया जा रहा है। जी सर। तो अब मैं बात करूँ आपसे कि सबसे पहले एक फ़ोन के बोर्ड में एक सीपीयू देख के जो देखने का नज़रिया है कि पावर और सेकेंड पावर, मतलब चार्जिंग आईसी, ग्राफिक्स आईसी, टीएफ, आरएफ, ये सब सारी चीज़ें आप बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? इसके क्लास में आपको ये सब सारी चीज़ें कंफर्म हो पाई? यहाँ आने से पहले तो हम बोर्ड में देखते थे तो सिर्फ हम सबको एक जैसा रजिस्टर ही समझते थे। फिर पता चला इधर आके और देव सर ने इतना डीपली नॉलेज दिया कंपोनेंट्स के बारे में, और यहाँ की टीम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमें उसमें ये पता चला कि इसमें कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या मिलके एक कंप्लीट मोबाइल की सर्किट या पीसीबी बनती है। सर एक बात बताइए कि एक आईसी में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है? आईसी जो बनती है लोग कहते हैं आईसी, लेकिन उसमें भी किसका यूज होता है, कैसे वो बनता है आईसी, ये सब सारी चीज़ें आपको बताइए। सर हाँ सर, आईसी के अंदर जो ब्लैक लेयर है, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है, उसके नीचे कौन सी लेयर है, और उसके अंदर क्या है, और वो क्या सब मिलके और क्या काम देते हैं, और क्या बनता है आईसी, बनती है आईसी किस चीज़ से बनती है, कैसे बनती है, कब इनपुट होता है, कब आउटपुट निकलता है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई गई। ये सर यहीं पे मिल सकता है। ये 1.8 वोल्टेज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस सेक्शन में आ सकती है, सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो, ये सब पता है कि नहीं पता है कि एक 1.8 की वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए या एक सीरीज का रजिस्टर निकल जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी, आपको पता है? हाँ सर। तो ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे, 4 दिन के क्लास में लगातार हम आपसे ब्लैक पेस्टेड पे भी काम करवा रहे हैं और आपका UFI का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं। तो आज 90% कंज्यूम का जो क्लास था वो आपका डाउट कोई ऐसा रह गया जो आपको डाउट हो? नहीं सर, पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में कोई डाउट्स है? नहीं सर, हम डेली आपसे पूछते हैं कि आपको कोई डाउट्स है क्या। आप चलिए मैं हार्डवेयर से लेके अभी तक की बात कर लूँगा आपसे, तो अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेली पूछते हैं और जब तक आपका डाउट्स क्लियर ना हो तब तक हम आपको जाने देते हैं? नहीं सर। तो ओवरऑल आपका ये जो ब्लैक पेस्टेड पे काम किए हैं, थोड़ा सा दिखाइए कैमरा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्लैक पेस्टेड पे काम, ये ब्लैक पेस्टेड पे काम किया इन्होंने। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम कर? सर बहुत बढ़िया सर। आपने सोचा था कि इतने आसानी से ब्लैक पेस्टेड निकाल पाएंगे? सर, हम तो आईसी का भी नहीं सोचे थे जब यहाँ आए थे तब कि हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आप ब्लैक पेस्टेड पे काम करवा रहे हैं 4th दिन में ही? ओवरऑल सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। अगर ये चीज़ ऑनलाइन देते तो क्या पॉसिबल था, इतने अच्छे से आप काम कर पाते क्या? नहीं सर, नहीं कर पाते। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर के लिए सर, देव सर से बेहतर कोई इंसान नहीं है सर नॉलेज में। ओवरऑल मैं बात करूँ क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम सर, अगर किसी को कंपैरिजन भी करना है तो पहले कहीं और सीख के आए और फिर एशिया टेलीकॉम आए। अगर उसको ऐसा लगे कि यहाँ सही में सीखने को नहीं मिल रहा है, पैसा वापस लेके जाए। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे, आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? सर पैसा वसूल हुआ? श्योर श्योर सर। श्योर जी। अगर आपको देख के कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो उसका पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? सर अगर ना हो तो मेरा मुझसे कांटेक्ट कर ले। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बस वो मेहनत करने वाला होना चाहिए जी और हमारे इंस्ट्रक्शन पे चलने वाला होना चाहिए। अगर वो अपना अपना थ्योरी लगाएगा, अपना प्रैक्टिकल लगाएगा तो काम सीख पाएगा? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम सर एक इंस्टीट्यूट नहीं है, गुरुकुल है। यहाँ रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा तभी हम सीख पाएंगे। चलिए ओवरऑल चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ की टीम के लिए क्या बोलना चाहिए? सर एशिया टेलीकॉम की टीम द बेस्ट है सर। ऐसा नहीं है कोई 2 महीना 3 महीना काम सीख के एशिया टेलीकॉम में ज्वाइन करके आप टीच कर रहा हो? नहीं सर।
ऐसा नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?